हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त बढ़िया चकाचक हूँ। और जस्ट सुबह के बज रहे हैं 9 o'clock, तो मैं उठ गई हूँ क्योंकि भाई की डिमांड है आज की बहन फ्राइड इडली बना दे। सो इडली का बैटर आसपास कहीं मिला नहीं, मैंने अभी जस्ट ऑनलाइन मंगाया है, अभी आएगा। और अगर मैं आपको चिंकी सी लग रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि सुबह सुबह मेरी आईज सूजी रहती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो अभी वेट करते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, इतने में हमारा ऑनलाइन ऑर्डर भी आ जाएगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो, किचन में एंटर करते इतने सारे बर्तन हैं धोने के लिए, पहले इनको धोते हैं फटाफट। टडा, ओ यार यार, ये कितनी औसम है यार। मैं उधर गया, मैं पोस्ट पे थक गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उस वाले चीज ले चला गया ना। अच्छा, चलो थैंक यू। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ पाँच अच्छा तब थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है हमारा ऑनलाइन ऑर्डर, तो हमने मंगाया है। अरे निकल जा भाई, इडली का बैटर। एंड आई होप कि ये कम ना पड़े, मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ सकता है। खैर, और इसमें है कोरिएंडर लीव्स। सो चलो इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सो हमने निकाल लिया इडली बैटर बनाने वाला, और इसमें बनेगा हमारा इडली। इट्स अ इडली मेकर गाइस, ऑब्वियसली एज यू गाइस लाइक एज यू नो। सो इट्स अ इडली मेकर गाइस, अभी हम इसमें इडली बनाएंगे, यमी यमी। सो गाइस, जो हमारे इडली का बैटर है हम उसको इसमें डाल देंगे ऐसे, लाइक दिस, सी द कंसिस्टेंसी। सो गाइस ये देखो, मैंने इन सभी में सांचों में भर दिए हैं इडली के बैटर, ठीक है। और यहाँ मैंने भी पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, इसमें पानी बॉईल हो रहा है, गैस बहुत गंदा हो रखा है, उसको भी इग्नोर किया जाए। देखो भाई, मम्मी जा रखी है पापा के साथ आउट ऑफ टाउन, और क्या होता है कि जब मम्मी होती है तो भाई सब कुछ अच्छा अच्छा सा होता है, लाइक सुबह उठते हाथ में नाश्ता मिल जाता है, सब हो जाता है। और अब मुझे सब खुद से करना पड़ रहा है, तो भाई सब चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं, ऐसी गैस गंदा हो रखा है, इतना कुछ मेरे को मतलब मैं करती नहीं हूँ काम, मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ घर में, क्यों झूठ बोलूँ। तो सब मम्मी मतलब सुबह उठती है ऐसे, मैं आँखें खोलती हूँ हाथ में नाश्ता आ जाता है यमी यमी सा, और अब मुझे उठते बनाना पड़ रहा है। तो भाई मम्मी की याद तो आती है, इनका मम्मी मतलब ज़्यादा याद आती है कि भाई मम्मी होती है तो इतना नहीं काम करना पड़ता। तो भाई का डिमांड हुआ कल कि बहन फ्राइड इडली बना दे, फ्राइड इडली, तो बस वही सुबह सुबह लग गई हूँ फ्राइड इडली। बाहर गई मैं शॉप पे, वहाँ तो नहीं मिली, फिर मुझे ऑनलाइन मंगानी पड़ी क्योंकि सुबह सुबह कहीं शॉप पे नहीं आती भाई। तो अब देखते हैं कैसी बनती है हमारी फ्राइड इडली, आप भी एंजॉय करो और आप भी बनाओ अपने घर में कुछ ऐसी यमी यमी सा गाइस। इनको डाल देंगे इस बॉक्स के अंदर, मतलब बॉयल, मतलब इसको स्टीम होने के लिए। सो ऐसे रखना है इसको, और टॉप में आएगा हमारे द टॉप मोस्ट ऐसे। तो इसमें बनेगी इडली, और इसमें एक और बार बनेगी इडली, मतलब ये जो बचा हुआ बैटर है इससे और एक और बार बन जाएगी इडली। तो उसके बाद आपको बताऊंगी कि इडली जो आपकी बन जाती है उसके बाद आप उसका फ्राइड इडली कैसे बना सकते हो। सभी हम इंतज़ार करते हैं गाइस, हमारी इडली देखते हैं। ये तो मस्त सी बन गई भाई, अब इसको निकालेंगे और सेकेंड वाला जो इसमें बचा हुआ अभी इडली का बैटर वो इसमें डालते हैं। सो एक बार में हमारी इतनी इडली बन जाती हैं। सो गाइस, हमारी दूसरी बार की इडली भी रेडी हो गई है, ठीक है, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। और चार पांच प्याज, चार पांच टमाटर, और ये उसके बाद कड़ी पत्ता भी लाऊंगी। सो इनको फटाफट चॉप करते हैं, फिर आपको मिलते हैं।
तो गाइस यहाँ चॉपिंग हो गई है, ये हमारे हरी मिर्च और गार्लिक और अनियन और हमारे टमाटो, ठीक है। तो ये हमारी चॉपिंग है। अब हमने यहाँ पे रख लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा फॉर्चून सी और ये लौंग, लौंग और दो काली मिर्च और थोड़ा हमने डाल दिया है जीरा। जीरा जो है पकने लग गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये इट्स कॉल्ड इसको बोलते हैं राई, लैया और जख्या। अब जख्या का मतलब हिंदी में मुझे नहीं पता, तो जो भी है समझ जाओ, पहाड़ी में जख्या बोलते हैं और लैया बोलते हैं, तो ये डालते हो। अब इसमें डालेंगे लहसुन और रे और लहसुन पकने लग जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन यानी कि प्याज। सो गाइस हमेशा ध्यान रहे कि जो आपका ये लहसुन होता है ना, ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल काला हो जाए, फिर ना अजीब सा लगता है, कड़वा कड़वा सा, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम सब डाल देंगे इसमें लाइक जो भी है हमारी प्लेट में। ये है हमारी इडली। तब तक हम थोड़ा सा इसको फटाफट चॉप कर लेते हैं। चॉप कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कि ये इडली है, इसको आपको सेंटर से पार्टीशन देना है, ठीक है। फिर आपको इसको यहाँ से भी देना है, तो मतलब ऐसे चार भाग करने हैं एक इडली के, तो ऐसे करके इसका कटिंग करनी है, फिर ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल से बन जाएंगे सब, ठीक है। तो आपको सब इडली का करना है ऐसे। अब मैं भी करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइस हमारे प्याज भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे यम्मी यम्मी टोमेटो। अब इसको भी मिला लेते हैं फटाफट, क्योंकि फ्राइड इडली में जितनी ज्यादा ग्रेवी होगी ना, उतनी ही ज्यादा यम्मी यम्मी लगती है इडली। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। चलो मसाला डालते के करके, सबसे पहले आएगा हमारा हल्दी, लिटिल बिट मोर पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ा सा नमक, धनिया, लिटिल बिट मोर नमक, लिटिल बिट मोर हल्दी, देखो कुछ मत देखो। देखो गाइस ऐसे पीस करने हैं, ऐसे रखने हैं, और ये आपका मसाला बन रहा है अभी। तो गाइस देखो हमारी ग्रेवी बिल्कुल मस्त बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारा इडली जो भी हमने अभी चॉप करी थी ऐसे। अब हम इसको मिलाएंगे। और देखो मैं इसलिए कह रही थी कि मसाला ज्यादा बनाना है, क्योंकि आपकी जो इडली होती है देखो सब पूरे मसाला लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि मसाला कम बनाओगे तो फिर इडली ना आपकी फीकी फीकी रह जाएंगी, कहीं पे लगेगा कहीं पे नहीं लगेगा। अब पूरी इडली में लगाए तो उसको खाने में अलग ही टेस्ट आता है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे। सभी हम इसको भाई को टेस्ट कराएंगे, देखते हैं कैसा लगता है भाई को, और इसको पैक भी करेंगे, मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। सो गाइस जैसी आपकी इडली रेडी हो जाए, उसके बाद आपको एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी है, वो है आपका कोरिएंडर लीफ, क्योंकि धनिया से ना और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है, जायका सा आ जाता है। ओह माय गॉड,
मैं तो मास्टर शेफ की तरह बोल रही हूँ। तो ये सब डालने के बाद आपको अपनी इडली ऐसे ऐसे करके घुमानी है और फिर उसके बाद उसको अच्छे से रख देना है, जब भी मन हो आप इसको खा लो। सो गाइज, ये हमारी फ्राइड इडली रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। देखते हैं भाई का रिएक्शन क्या होता खाने के बाद, फिर आपको मिलते हैं। तो भाई को दे दिया है ब्रेकफास्ट, भाई कैसा लगा? एक नंबर, बहुत ज्यादा महंगा नाश्ता लग रहा है मुझे। महंगा काफी स्वादिष्ट है। चलो थैंक यू यो खाने के लिए। बिल्कुल ही दो चॉकलेट और इडली पैक करी है मैंने। सो गाइस, ये भाई का लंच पैक कर दिया है मैंने। सो गाइस, सुबह सुबह मेरी हालत पे मत जाने, सुबह सुबह देखो इंसान ऐसे ही लगता है अपने घर पे। और मैंने मस्त भाई को खिला पिला के भेज दिया है, भाई का टिफिन पैक करके इसको दे दिया। उसको बहुत मन था कि बहन फ्राइड इडली तू बनाती है, टेस्टी बना दे। तो देखो क्या होता है कि मम्मी घर पे होती है तो बढ़िया रहता है, नो डाउट, बट मम्मी नहीं है तो बहनों का काम होता है अपने भाई को पैम्पर करने का। भले ही भाई छोटा हो या बड़ा, बहनों का ही काम है उनको संभालने का, पैम्पर करने का, उनके नखरे झेलने का। तो अगर आप छोटी बहनें हैं, अपने बड़े भाई को बहुत ध्यान रखती हैं, ऐसे खिला पिला के उसे खुश करती रहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अपना ढेर सारा प्यार देना, अपना ध्यान रखना। बाय गाइस, टेक केयर। मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में।